सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पगला के, आप लोग देखेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे और बहुत सारे लोग मतलब हंसी वाला जो इमोजी होता है फनी वाला उसको सेंड किए थे। यार आप लोगों को मजाक लग रहा है यार, सच में हम बोल रहे हैं कि यूट्यूब पगला गया है, आप लोग मान ही नहीं रहे बात को। देखिए दोस्तों, आप लोग एक दो प्रूफ दिखा दे रहे हैं और उसमें भी प्रूफ दिखाए थे, आप लोग माने नहीं थे। यार आप लोग कैसे आदमी है, बात मानिए यार। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक प्रूफ दिखा देते हैं, ठीक है। ये पगलाया नहीं, आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देख सकते हैं, इसके लिए हम नेट ऑन कर लिया मोबाइल का और हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन हो गया है, हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब ओपन हो चुका है, ठीक है। चलिए आपको हम दिखाते हैं सर्च करके एक दो चीज़, आप देखिए, ठीक है। उसके बाद से हम आपको बताएंगे कुछ बातें इसमें। वीडियो में तक बने रहिएगा तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि ऐसे ही कुछ मिल जाएगा। चलिए वीके टेक्निकल भैया हम सर्च कर दिए। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं भाई का चैनल आ चुका है और आपको हम दिखा देते हैं इनके वीडियोज़। ये है इनका वीडियोज पार्ट, आप देख लीजिए। इनके चैनल पर व्यूज़ देखिए 2.9K, 3.9K, 1.2K और 6.9K। भाई इनके चैनल पर और सब्सक्राइबर लगभग 90,000 के आसपास है और इनके व्यूज़ देखिए इतना कम व्यूज आ रहा है, क्यों आप लोग सोचिए। और आपको और एक और चैनल दिखा देते हैं, टेक चैम्पियन सपोर्ट। टेक चैम्पियन सपोर्ट, स्पोर्ट लिखा है कोई बात नहीं, सर्च में आ जाएगा। देख सकते हैं ये आ चुका है, ठीक है। आप लोग देखिए इनके वीडियोस, आप लोग देखिए इनके चैनल पर 11K, 7K, 11K, 11K, 8K, 13K, जो कि इनके चैनल पर एवरेज व्यू 20K, 30K, ठीक है, यही चलता था। आज देखिए ये हाल है, ठीक है। बहुत सारा चैनल है, ठीक है। एक मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी देख लीजिए, मान लीजिए F2Z लिखा रहा है टेक, भैया वर्क भी नहीं कर रहा है डिस्प्ले, ठीक है। देख सकते हैं इनका भी चैनल ओपन हो चुका है, आप लोग देखिए ये भाई का है, इनका भी चैनल ओपन कर चुके हैं। देख सकते हैं इनके चैनल पर व्यूज 186, 109, 156, 63, 72 एवरेज व्यूज, मतलब 75 के आसपास इनका व्यूज आ रहा है, जो कि पहले इनके चैनल पर पहले व्यूज काफ़ी अच्छा आता है, 200-150 आ जाता है, फिर भी नॉर्मल अभी भी ठीक है देखा जाए तो एक तरीके से, लेकिन अभी काफ़ी कम हो गया, ठीक है, पहले के अपेक्षा, ठीक है। दोस्तों इसका मेन कारण ये है कि यूट्यूब अपने मतलब एल्गोरिथम को लगातार मंथली में चेंज करता रहता है, हर एक मंथ में यूट्यूब अपने एल्गोरिथम को चेंज करता रहता है, जिससे कि किसी को पता ना चले यूट्यूब का राज, समझते हैं ना, यूट्यूब का राज ऐसा इसलिए, नहीं तो अगर किसी को पता चल जाए एल्गोरिथम के बारे में तो क्या होगा, यूट्यूब का जो भी वर्क कर रहा है, जो भी लोग क्रिएटर है वो अपना हर एक वीडियोज़ को वायरल कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। इसलिए यूट्यूब अपने एल्गोरिथम को चेंज करते रहता है जाकि किसको पता ना चले। और व्यूज डाउन होने का मेन कारण दो तीन रीज़न होता है, पहला कि एल्गोरिथम चेंज होना, और दूसरा अगर मान लीजिए अगर आपका कोई वीडियोज है जो कि पहले से सर्च लिस्ट में आ रहा है और काफ़ी दिन से वो चल रहा है और एक बार क्या हो कि वो वीडियो चलना रुक जाए तो आपका व्यूज डाउन हो जाता है। और थर्ड मौसम के हिसाब से चलता है, मान लीजिए कि कहीं आजकल देख रहे हैं वर्षा का दिन है और बिजली का कमी हो सकता है, इससे भी डाउन हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं व्यूज डाउन होने का। अभी फिलहाल तो यूट्यूब का एल्गोरिथम अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है और जो भी है इसमें यूट्यूब वर्क करेगा, उसको सही करेगा तो फिर से हम लोग का व्यूज सही हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इनका देख लीजिए, इनका देख लीजिए, इनका देख लीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर इस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाए हैं, व्यूज डाउन का प्रॉब्लम चल रहा है, फिलहाल मेरे भी व्यूज डाउन चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एक गलती नहीं करना है, ठीक है। पता है क्या, अगर आप व्यूज डाउन देखकर वीडियोस नहीं बनाएंगे, वीडियोस बनाना छोड़ देंगे तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जो भी आपके पास ऑडियंस है, जो भी आपके साथ ऑडियंस जुड़े हैं ना, वो आपके साथ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। अगर आप वीडियोस बनाएंगे नहीं तो वो भी चले जाएंगे और आपका व्यूज पूरा पूरा चैनल डेड भी हो जाएगा, समझ गए ना बात को। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, आप चैनल पर वर्क कीजिए, ये तो यूट्यूब का काम है, चलता रहेगा, ठीक है। जैसे मेरे पुराने ऑडियंस थे, जैसे कि मेरे पुराने भाई वाला ऑडियंस है जो कि काफ़ी लोग चले गए हैं, ठीक है यार, उनको कभी कभी कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। और जो भी मेरे पुराने यूट्यूबर भाई है जो भी देखते हैं वीडियोज़ को, आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।